ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर अपने लिए नया रास्ता हासिल करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन महिलाओं की पहचान अब चार दीवारी तक सीमित नहीं रही। खेल के मैदान से खेत खलिहानों तक वो अपना परचम लहरा रही हैं। बिहार के सुदूरवर्ती सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिला का बनमनखी इलाका कभी गन्ने की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन चीनी मिलों के बंद होने की वजह से इस एरिया के किसानों की माली हालत खराब होने लगी। इसी इलाके में फारबिसगंज से ब्याह करके आई थी अंजू, जिनकी शादी मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही हो गई। वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन अपने आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण की बदौलत अपने परिवार की आर्थिक दशा तो बदल ही दी है, साथ ही अपने इलाके की हजारों महिलाओं के लिए तरक्की का एक नया मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। बहुत ऐसे भी आदमी हमें मिले कि जो कि कभी रास्ता से भटका भी दिया कि यह मशरूम करने से आपको कोई लाभ नहीं है, इसको बेकार कर रहे हैं या आपके लिए नहीं है, कहाँ कहाँ जाके या गोबर छत्ता के रूप में है, इसको कोई खाएगा नहीं या आपका मार्केट में चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़े हम जब इसका ट्रेनिंग करके जलालगढ़ से किए, फिर समस्तीपुर गए तो वहाँ से भी ट्रेनिंग किए, तो अब तो इसको लगाते लगाते इतना प्रैक्टिस हो गया है कि ये इसमें कहाँ क्या कीट लग रहा है, क्या इन्फेक्शन हो रहा है, क्या इसमें हो रहा है, सारी जानकारी हो गई है। अब इसको करने में हमें कोई कठिनाई भी नहीं हो रही है। अंजू के पति एक साधारण परिवार से थे और उनके हिस्से में एक एकड़ जमीन थी, जिसके भरोसे परिवार चलाना और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल थी। ऐसे में उन्हें और उनके पति को काम की तलाश थी। तब अंजू ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे उनके घर के खर्चे निकलें, और अंजू को ये रास्ता मिला। एक दिन उनको न्यूज़पेपर में पढ़ने के दौरान जिसमें मशरूम उत्पादन की तकनीक और लाभ के बारे में जानकारी दी गई थी, इसके बाद अंजू ने मशरूम उत्पादन करने का मन बनाया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुई और मशरूम उत्पादन की समय समय पर ट्रेनिंग लेकर काम को जारी रखा। धीरे धीरे सफलता मिलती गई। मेरा जिंदगी जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मेरे दो बच्चे हैं, पति है, बच्चे लोग बड़ा हो रहा था हो रहे थे, तो हमको लगा कि हम लोग का घर का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो हमको भी अपने पैर पर खड़ा होकर के कुछ करना चाहिए जो कि मेरे पारिवारिक स्थिति थोड़ा संभल जाए, बच्चा सब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, जिसके कारण कि मैंने बहुत सारा रोजगार को तलाश किया। उसमें एक रोज़ ऐसा पेपर में पढ़ने को मिला कि मशरूम में जो है कम पूंजी में हम अच्छा कमा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मतलब 500,000 से अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए कि ज़्यादा पूंजी का भी ज़रूरत नहीं है। अंजू ने वह कर दिखाया जिसके बारे में पहले सिर्फ बातें की जाती थी। साल भर मशरूम उत्पादन करना एक बड़ी कामयाबी है। अंजू अब पहले वाली अंजू नहीं रह गई, बल्कि अब एक अनुभवी मशरूम उत्पादक किसान बन चुकी हैं। आज के वक्त में वह तीनों सीजन में अलग अलग तरीके की मशरूम का उत्पादन करती हैं, और मशरूम उत्पादन के अलावा मार्केटिंग पर उतना ही ध्यान दिया, इसलिए वह कामयाब हैं, जिसका नतीजा है वे साल भर घर बैठे 1-1.25 लाख रुपया सालाना कमा लेती हैं। थोड़ा थोड़ा जो है सालों भर इसको उपज कर लेते हैं, ठंडा में जो है या आसानी से मतलब आने लगता है, या इसमें जो है उतनी मेहनत नहीं है, कीट नहीं लगता है, लेकिन फरवरी के बाद जो है इसको लगाने में बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी अपने मेंटेनेंस से जो है इसको हम सालों भर लगाते हैं, और बटन को जो है साल में 3 ही महीना हम लोग लगाते हैं, जैसे दिसंबर से शुरू करते हैं और जनवरी फरवरी में लास्ट कर देते हैं, और अप्रैल से जो है मिल्की मशरूम लगाते हैं। हाँ, ये तीनों का मार्केट जो है हम लोकल में ही बना लिए हैं। पहले तो बहुत कठिनाई था, लोकल में कोई जान ही नहीं रहा था, लेकिन जो है
अब जाके 5 साल में ऐसा हो गया है कि अब लोकल में भी तीनों मशरूम को आदमी खोजते रहता है, सीजन सीजन में हम लोग तीनों खिलाते हैं और यहाँ आसानी से भी बिकता है। अब बेचने में आपको दिक्कत नहीं होता, जाना आना नहीं पड़ता आपको? नहीं, अब बेचने में जो है इसको हमको कहीं परेशानी नहीं है, या आसानी से मेरे यहाँ आदमी खुद आकर के ले जाते हैं। जैसे मेडिकल वाला है, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, तो अगल बगल के लोग हैं वो लोग खुद आकर के ले जाते हैं। हम मार्केट में भी नहीं डालते हैं, वो लोग सवेरे सवेरे अपने से ले जाते हैं। वैसे तो मशरूम व्यवसाय के कई तरीके हैं, लेकिन कम खर्च में इसके लिए कैसी व्यवस्था करें ये जानना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में अंजू अपने 5 साल के अनुभव के आधार पर बताती हैं। मशरूम से अधिक उत्पादन के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 2014 की अंजू तभी कार्य को शुरू कर रही थी, तो उसको पता नहीं था कि वो ये मशरूम का स्पॉन कहाँ से लाएगी, कंपोस्ट कहाँ से लाएगी, कैसे कैसे इसका क्या होगा, कैसे इसको उपजाया जाएगा, कैसे इसका मार्केटिंग होगा, ये सब चीज़ उस अंजू को पता नहीं था। लेकिन इस 5 सालों में जो है उनका यह हो गया है कि वह किसी को ट्रेनिंग दे करके ट्रेन भी कर सकती है, आगे बढ़ा भी सकती है, या उनको जानकारी भी हो गया है कि वह किस तरह से इस फसल का स्पॉन खरीद के ला के जो रूम में रखते हैं वह रूम भी जो है ठंडा होना चाहिए। उसमें हम लोग जो है हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि रूम ठंडा रहे, उसमें हमेशा पंखा चला के रखते हैं ताकि 15-20 दिन जो है स्पॉन मेरे घर में रहे और हम आसानी से जो है उसको लगा सकें। ऐसा भी नहीं है कि ला करके और तुरंत लगा लिए तो तुरंत सारा मशरूम का जब उपज हो जाता है तो उसको बेचने में कठिनाई होती है। हम जो है उसको जैसे हर एक 15 दिन में 10 किलो करके लगाते हैं, तो वह जो है अपना रफ्तार बाय रफ्तार निकलता है। जैसे 15 दिन में एक बार फरा तो उसको बेचने में आसानी है, फिर 15 दिन में लगाते हैं तो वह भी फिर उसके बाद ही निकलता है। ऐसे में मेरा सालों का बिजनेस भी चलता है और रूम का साफ सफाई भी जो है करना आवश्यक रहता है। जैसे 8 दिन में हम लोग इसमें DDFX दवाई है उससे छिड़काव करते रहते हैं। इस बिजनेस से अधिक लाभ कैसे मिले इस पर इन्होंने फोकस किया और वे मशरूम उत्पादन के लिए अच्छी तरह स्पॉन कृषि विश्वविद्यालयों से मंगवाती हैं। सभी तरह के मशरूम की खेती करती हैं, लेकिन अभी वह आयस्टर मशरूम लगा रखी हैं, जिसकी तुड़ाई का काम चल रहा है। वह बताती हैं इसकी तकनीक काफी आसान है, जिसको कोई भी अपना कर अपनी आय बढ़ा सकता है। अभी उनको आयस्टर मशरूम की उपज हर 15 दिन पर मिल जाती है, जिसको अपने इलाके की लोकल मार्केट में बेचती हैं। भूसा को पहले दवाई डाल करके जो है फुलाते हैं, जैसे फार्मोलिन है, बेविस्टिन है, नुआन है, ये तीनों दवाई डाल करके इसको फुलाते हैं। उसके बाद जो है सुखा करके इसको स्पॉन डाल करके लगा के रखते हैं। 20 दिन से 25 दिन के बीच जो है इसमें जाला तब तक आ जाता है, उसके बाद जो है इसमें ऑयस्टर मशरूम की फसल आने लगती है। नहीं, अब बेचने में जो है इसको हमको कहीं परेशानी नहीं है, या आसानी से मेरे यहाँ आदमी खुद आकर के ले जाते हैं। जैसे मेडिकल वाला है, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, तो अगल बगल के लोग हैं वो लोग खुद आकर के ले जाते हैं। हम मार्केट में भी नहीं डालते हैं, वो लोग सवेरे सवेरे अपने से ले जाते हैं। अंजू सफलता पाने के बाद भी अपने काम में निरंतर जुटी रही। उन्होंने अपने प्रयासों से साबित कर दिया है कि अगर महिलाओं को थोड़ी भी मदद मिल जाए तो कैसे वो अपने आप को शिखर पर पहुंचा सकती हैं। इस कामयाब महिला उद्यमी के प्रयासों को हमारी टीम भी सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।